हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 6 के इंग्लिश के पार्ट 1 को। इस पार्ट का नाम है बच्चों द ट्री, ये पेड़ के बारे में दिया है। इस पार्ट के हम क्वेश्चन आंसरों को डिटेल में देखेंगे और मैं आपको याद करवाने की गारंटी लेता हूँ। आप पूरी वीडियो देखिएगा, आपको आसानी से ये क्वेश्चन याद हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, अब चलते हैं इस पार्ट के क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। बच्चों, इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है What is the lesson about? ये lesson जो था वो किसके बारे में था? तो यहाँ पर answer लिखेंगे the lesson is about the tree। ये lesson था एक पेड़ के बारे में। तो जो आपको ये blue color में दिख रहा है बच्चों, थोड़ा सा highlight कर देता हूँ, ये blue color में दिख रहा है आपको, तो इसे तो आपको question में से ही देख के लिखना है। और जो red color में आपको दिख रहा है बच्चों, ये वाला, ये जो red color में दिख रहा है उसे सिर्फ आपको याद करना है, आठ पेज। इसी तरीके से हम जब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं बच्चों, ये है व्हाट डू द विलेज चिल्ड्रन डू व्हेन दे गेट टायर्ड। जब बच्चे थक जाते हैं तो वो क्या करते हैं? तो यहाँ से लिखेंगे आंसर द विलेज चिल्ड्रन। तो ये यहाँ से द विलेज चिल्ड्रन, यहाँ से देखकर लिख लिया हमने इतना। फिर इसके बाद लिखेंगे स्लीप अंडर द ट्री सेड, और ये हमें सिर्फ पेड़ वाला याद करना, स्लीप अंडर द ट्री सेड। जो गांव के बच्चे हैं वो जब थक जाते हैं तो पेड़ के नीचे जाके, पेड़ की छांव के नीचे जाके स्लीप सो जाते हैं। ठीक है, और फिर ये आप हमें क्वेश्चन में से देख के लिखना, व्हेन दे गेट टायर्ड, यहां से लेके व्हेन दे गेट टायर्ड, इतना क्वेश्चन में से देखना है। तो इसका क्या हो जाएगा, द विलेज चिल्ड्रन स्लीप अंडर द ट्री सेड व्हेन दे गेट टायर्ड। जब गांव के बच्चे थक जाते हैं तो वो पेड़ की छांव के नीचे जाके सो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 3 है वो है व्हाट डू द पासर्स बाई सिट अंडर द ट्री, व्हाई डू द पासर्स सिट अंडर द ट्री। तो जो वहां से निकलने वाले राहगीर हैं तो वो पेड़ के नीचे क्यों बैठते हैं? तो हमें पता है बच्चों, जब राहगीर वहां से निकलते हैं तो पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा द पासर्स बाय सिट अंडर द ट्री टू टेक रेस्ट। जो राहगीर हैं वो पेड़ के नीचे बैठते हैं क्योंकि वो उन्हें आराम करना होता है। ठीक, तो यहां से लेके ये द पासर्स बाय सिट अंडर द ट्री, ये क्वेश्चन में से आपको ये ब्लू कलर में जो दिख रहा है वो लिखना है, और आपको सिर्फ इतना याद करना है, इतना याद करना है सिर्फ। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 4 वो है Who take rest at night in the tree? रात में पेड़ पर कौन आराम करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, birds, small animals and insects। तो ये सिर्फ हमें याद करना है, birds means चिड़ियाँ, small means छोटे जानवर, small animals means छोटे जानवर, और insect means कीड़े मकोड़े, ये सब है ना आराम करते हैं पेड़ पर। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, ये सिर्फ take rest at night इन द ट्री, ये क्वेश्चन में से देख कर लिखना है यहाँ से, टेक रेस्ट एट नाइट इन द ट्री। तो सिर्फ अपन को हमें इतना ही याद करना है और बाकी सब क्वेश्चन में से हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 वो है वेयर डू वी गेट फ्रेश एयर फ्रॉम, हमें जो फ्रेश एयर है वो कहाँ से मिलती है? ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा वी गेट फ्रेश एयर फ्रॉम द ट्री, ये ट्री गलत हो गया बच्चों, ये आएगा ट्री। ठीक, हमें जो फ्रेश एयर है वो पेड़ों से मिलती है। ठीक, तो हमें क्वेश्चन में से वी गेट फ्रेश एयर फ्रॉम, वी गेट फ्रेश एयर फ्रॉम, ये क्वेश्चन में से देख के याद करना है, और द ट्री हमें अपने से याद करना है, बस इतना से याद करना है। ठीक, इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो है व्हाट शुड वी Do for the tree, हमें क्या करना चाहिए पेड़ों के लिए? ठीक, इसका अर्थ ये है, तो ये हो जाएगा We should always love and care for the tree, हमें हमेशा पेड़ों की केयर करना चाहिए और पेड़ों से प्यार करना चाहिए। तो जो ब्लू वाला पोर्शन है वो आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा, ये We should, ठीक, और फोल्डर भी, ये भी क्वेश्चन में ऐसे ही मिल जाएगा। इसके बाद ये सिर्फ ऑलवेज लर्न के लिए आपको याद करना है।